नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आपका हमारे KDS सुजानगढ़ चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। 14 फरवरी 2019 भारत के जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसा आतंकवादी आत्मघाती हमला हुआ जिसमें हमारे भारतीय सेना के CRPF के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए। ऐसी दुर्दांत घटना से ने पूरे देश, पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक की अंतर आत्मा को झकझोर करके रख दिया और पूरे देश में एक विरोध और एक भारी रोष व्याप्त हुआ और पूरे देश में अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठनों द्वारा श्रद्धांजलियाँ दी गई। आज हम खड़े हैं यहाँ मूनलाइट सिनेमा हॉल में सुजानगढ़ में, जहाँ संगीत साधना संस्थान के द्वारा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएँ प्रस्तुत की जाएगी। आइए इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ संगीत साधना संस्थान के द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियाँ चल रही है। पुलवामा जम्मू कश्मीर में शहीद हुए भारतीय वीर जवानों की श्रद्धांजलि स्वरूप संगीत साधना संस्थान सुजानगढ़ के द्वारा एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें गीतों और कविताओं के द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम के नाम से मैं शुरू करने की आज्ञा चाहूंगा आप सभी। मैं संगीत साधना संस्थान के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे आए और कार्यक्रम के लिए श्रद्धांजलि हेतु सदस्य संगीत साधना संस्थान के सभी सदस्यगण कार्यक्रम की शुरुआत में भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, मां भारती के उन सच्चे सपूतों की शहादत को नमन करते हुए। भारतीय सेना के शहीद हुए उन वीर जवानों की शहादत में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। संगीत साधना संस्थान के सभी सदस्यों एवं आगंतुकों के द्वारा शहीद हुए चूरू जिले के ही श्री विनोद कटेवा के परिजन प्रीतम जी कटेवा का माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है संगीत साधना संस्थान के द्वारा। दीपक समान जलकर जो प्रकाश वितरण करते हैं, सूर्य सा अप्रतिम तेज मस्तक पर विराजित करते हैं, ऐसे भारत माँ के तेजस्वी पुत्रों का वंदन है, उस चंदन का बार बार अभिनंदन है, अभिनंदन है। जो भारत पुत्र अपने आंगन को सूना छोड़े जाते हैं, जो भारत को अपना परिवार समझे जाते हैं, जो देश सर्वोपरि भावना लिए चिन्ह त्रस्त हो जाते हैं, जो भारत के रक्षण में अर्पण होने को तत्पर होते हैं, है नमन उनको जो शहादत को गला लगाते हैं। दुश्मन सीमा पर दीवाली का तोहफा कफन फेरता है, उनका डटकर सामना करना प्रत्येक सैनिक का धर्म है और उनकी कब्र वहीं खोदना उनका ये धर्म है। पुलवामा के शहीद इस भारती के लाल थे, वो भी किसी माँ के बेटे, पत्नी के सुहाग थे। शेरों का सामना करना इतनी ना औकात थी, इसलिए वह गाड़ी बनी पंख का सामान थी। ये वो है जो नहीं डरे प्राणों को न्योछावर करने में, ये वो है जो नहीं डरे भारत माँ खातिर अपनी माँ को छोड़ जाने में। इन सैनिकों का बलिदान देश पर एक कर्ज है, इनका बदला लेना हमारा पहला फर्ज है। बार बार की गद्दारी मैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों को
को एक संज्ञा देने का प्रयास करता हूँ, यदि आप सही करें तो पूरा समर्थन दीजिएगा। बार बार की गद्दारी ये हमें क्या सिखलाती है? मारुती हाथों से शांति भला कैसे आ सकती है? ऐसे कुछ साहस की आदत बहुत पुरानी लगती है। गधों को गायत्री समझाने में हार भी ना मानी है, गधों को गायत्री समझाने में हार भी ना मानी है। अब एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और हम तो बैठ कर शांति से कि हाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इसकी मूल जड़ क्या है? इसकी मूल जड़ है कि भारत को हमें खत्म करना। पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो ये सोचते हैं कि हम भारत का खात्मा करेंगे। तो सुनिए, प्याजे मारने से कभी युद्ध विजय नहीं होता है, दुर्योधन मरने से पहले कभी महाभारत विजय नहीं होता है, वैसे ही केवल एक स्ट्राइक करने से बदला पूर्ण नहीं होता है, इनके आका मरने से पहले युद्ध विराम नहीं होता है। और आज इनकी सीधी लड़ाई लड़ने की नहीं है, भारत को समाप्त करने की ख्वाब वाले हैं। हजार साल तक जब लड़ने का सोच रहे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और आज जिनकी सीधी लड़ाई लड़ने की नहीं है वो भी भारत के खड़े हुए, फिर भी तुम हजार साल हमसे जंग करने पर अड़े हुए। जाओ पहले इतिहासों का पूर्ण ज्ञान करो, तुम अपने मोहम्मद गौरी के हाल का ध्यान धरो। तुम जंग केवल वीरों को शोभा देती ये सच है, जिनकी भुजाओं में दम हो विजय उसी को बढ़ती है ये सच है। और ध्यान करो तुम इकहत्तर वाली जगह, पाकिस्तान क्यों बना कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, जिन्ना का ये सोचा टू नेशन थ्योरी थी जिसको 1971 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दिया, क्योंकि भारत में इतने सैकड़ों मुस्लिम परिवार हमारे साथ भाई के व्यवहार के साथ रहते हैं, ये भारत की संस्कृति है। इसलिए और ध्यान करो तुम 1971 वाली जंग को, हमने तुमको तब दो हिस्सों में तोड़ा था, हमने तोड़ा था एक बाजू तक तुम्हारा और मरोड़ दिया था तुम्हारा सिद्धांत। तुम्हारा लगता है तुम अपना ये जो बार बार की युद्ध की धमकियां दी जाती है एटम बम का, तो उनके बारे में कुछ लिखा और आपके पास प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि लगता है तुम अपना अस्तित्व करा कर मानोगे, अपने पाले सांपों से कुदिन कटुआ कर ही मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे तुम क्या गांधीवादी भाषा? अंतिम पंक्ति आपको छिल गए तो ताले जरूर बजाना। तुम तो समझोगे केवल इंदिरा गांधी की भाषा, मानवता संदेश केवल मानव के लिए होता है, राक्षसी कृत्यों का उत्तर तो केवल गोली होता है। हम बुद्ध ये हमें बार बार भड़का रहे हैं, इसका उत्तर क्या हो सकता है? हम बुद्ध के सिद्धांतों का करते पूर्ण पालन है, हमें विवश मत करना परशुराम बन जाने पर, कभी अपने काल को निमंत्रित मत करना अब तुम, क्योंकि यदि महाकाल का क्रोध अपना मुंह खोल गया, विकराल काल ने अपना मुंह खोल गया, तो हम एक बार अपनी सीमा को लांघ देंगे तो फिर हर हर महादेव का शोर हर ओर सुनाई देगा, तब तो भारत का हर दुश्मन कब्र में दिखाई देगा, हमसे टकराने पर सिकंदर भी वापस मुड़ जाता है, विश्व जीतने निकला जो भारत में हार जाता है। हमें ना सिखाओ शांति प्रस्ताव कैसे होते हैं, हमें कृष्ण शांति दूत याद अभी भी रहते हैं। मत तुम अपनी बर्बादी को कभी निमंत्रण देना, सपनों में भी भारत से युद्ध तुम कभी मत कर लेना, जब सहन शक्ति बांध हमारा टूट जाएगा तो, जब भारतीय प्रोत्साह चंद्र की भाषा बोलेगा तो पुनः विश्व का भूगोल बदल जाएगा, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा, मेरी एक लास्ट शिकायत है उसको मैं बता के अपने स्थान पर रखूंगा कि दिल्ली वालों मेरी एक शिकायत है, इसमें मेरी नहीं इस जनता की भी सहायक है, जो बार बार सबूत मांगे जाते हैं सेना से, उनसे बड़ा गद्दार नहीं है कोई इस भारत में। वापस ले लो नागरिकता इस भारत की, उनसे वापस ले लो नागरिकता उनकी इस भारत से। मैं भारत को, मैं अब अपनी अंतिम लाइनों को रामकुमारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों के साथ बताते हुए वाणी को विराम दूंगा। मैं भारत को एक उपाय बताता हूँ, श्री कृष्ण का अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि अब याचना नहीं रण होना चाहिए, जीवन जय कि मरण होना चाहिए। आज तिरंगा फहराया है अपनी पूरी शान में, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान में,
आज़ादी के लिए हमारी चली लंबी लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से इसकी बड़ी कीमत चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जावर इनका ये प्यारा देश है, जियो और जीने दो का सबको देता ये संदेश है। पहरी बनकर खड़ा हिमालय उसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में है इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दिशो दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिनकी वजह से यंग्स क्लब फेमस है और यंग्स क्लब का पर्याय है श्री गिरधर जी शर्मा। आपसे आग्रह है। नमस्कार। किसी शायर ने खूब कहा है कि पैदा तो सभी होते हैं मरने के लिए, पैदा तो सभी होते हैं मरने के लिए, मरना उसी का जमाना जिसे याद करे, मरना उसी का जमाना जिसे याद करे। आज हम स्मरण कर रहे हैं उन वीर जवानों का जो कि 14 फरवरी को एक आतंकी हमले में पुलवामा में शहीद हुए। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के माध्यम से। आभार व्यक्त करना चाहता हूं नगर की सांगीतिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्था संगीत साधना संस्थान का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आज के इस माध्यम से। साथ ही मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे इन वीर जवानों की आहुति को हमारे एयरफोर्स के जो है जाबाजों ने कहीं कहीं उसकी पूर्ति करने की कोशिश की, दुश्मन के घर में जाकर एक चुनौती दी और सुरक्षित लौटकर वो वापस हमारे देश में आए। मैं उन एयरफोर्स के जवानों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। भारत माता की जय। मेरी कविता शहीदों के लिए, जिसमें शहीद जब जख्मी होकर अपने साथी से जो बातें चंद बातें कहता है उसके बारे में, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। युद्ध में जख्मी सैनिक अपने साथी से कहता है, युद्ध में जख्मी सैनिक अपने साथी से कहता है कि साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। यदि हाल मेरी माँ पूछे तो, यदि हाल मेरी माँ पूछे तो, जलता दीप बुझा देना, जलता दीप बुझा देना। इतने पर भी ना समझे तो, इतने पर भी ना समझे तो, दो आंसू तुम झलका देना, दो आंसू तुम झलका देना। यदि हाल मेरी बहना पूछे तो, यदि हाल मेरी बहना पूछे तो, सूनी कलाई दिखला देना, सूनी कलाई दिखला देना। इतने पर भी ना समझे तो, इतने पर भी ना समझे तो, राखी तोड़ दिखा देना, राखी तोड़ दिखा देना। यदि हाल मेरी पत्नी पूछे, यदि हाल मेरी पत्नी पूछे, मस्तक तुम झुका लेना, मस्तक तुम झुका लेना। इतने पर भी ना समझे तो, इतने पर भी ना समझे तो, मांग का सिंदूर मिटा देना, मांग का सिंदूर मिटा देना। यदि हाल मेरे पापा पूछे, यदि हाल मेरे पापा पूछे, हाथों को सहला देना, हाथों को सहला देना। इतने पर भी ना समझे तो, इतने पर भी ना समझे तो, लाठी तोड़ दिखा देना, लाठी तोड़ दिखला देना। यदि हाल मेरा बेटा पूछे, यदि हाल मेरा बेटा पूछे, सर को उसको सहला देना, सर उसका सहला देना। इतने पर भी ना समझे तो, इतने पर भी ना समझे तो, सीने से उसको लगा लेना, सीने से उसको लगा लेना। यदि हाल मेरा भाई पूछे, यदि हाल मेरा भाई पूछे, सूनी राह दिखला देना, सूनी राह दिखला देना। इतने पर भी ना समझे तो, इतने पर भी ना समझे तो, सैनिक धर्म बतला देना, सैनिक धर्म बतला देना। जय हिंद।
जय हिंद। जब सरहद पे आवाज़ उठती है तब फौजी के कदम अपने आप उठते हैं, क्योंकि सैनिक एक गीत है, वतन की प्रीत है। जो मोम के धागे में अंगारे पिरोते हैं, जो मोम के धागों में अंगारे पिरोते हैं, मौत को तकिए के नीचे रख कर सोते हैं। सबसे पहले मैं उन सभी वीर सपूतों को सलामी देना चाहूँगा जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, विशेष तौर पर पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों को। आप सभी को मेरा हार्दिक नमन। श्री शंकर जी महेश्वरी अध्यक्ष संगीत साधना संस्थान व संगीत साधना संस्थान के सभी सदस्यों ने जो यह श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया है, उनके लिए मैं पूरी सेना की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस समय एक भारतीय शहीद परिवार के एक सदस्य यहाँ उपस्थित है, प्रीतम कटेवा, पुत्र श्री शहीद विनोद कटेवा, जो 18 ग्रेनेडियर्स भारतीय सेना में सेवारत थे और 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। पूरा भारत आपकी व्यथा, आपका दर्द, आपकी पीड़ा में सहभागी है। आपका त्याग और तपस्या अतुलनीय है। सैनिकों के बलिदान के लिए मैं और पूरा देश सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं। नई कामना धन की मन में, नई कामना यश की पद की भी, नई कामना सर्वस की बस केवल यही कामना, सेवा करूँ देश की अपने बड़े हर्ष से परित जाऊँ, प्राण तेली पर रख लड़ने माता पिता को कभी न भूलूँ, गुरु सदा उनकी पद पूजा, उनके आगे लगे न कोई अच्छा जग में मुझको दूजा। देश का हर जवान खास है, वो लड़ता तब तक श्वास है, परिवार के सुखों का कारावास है, अपनी माँ का अनंत उपवास है, उनके बच्चों को कहते सुना होगा पापा अभी भी मेरे पास हैं, पापा अभी भी मेरे पास हैं। अरे आज लहू केसर बन जाएगा, आज लहू केसर बन जाएगा दुश्मन को ललकार कर, आज उठा, आज लहू केसर बन जाएगा दुश्मन को ललकार कर, आज उठा बंदूक है भारत वीरों की जय जयकार कर, वीरों की जय जयकार कर। अरे नमक हरामों की बस्ती में सांप सपोले रहते हैं, केसर के सुंदर क्यारी में बम के गोले बोते हैं। और राजनीति की गलियारों में वो गद्दारों की फौज खड़ी। जब भी आतंकी को मारे इनको होती पीर बड़ी। अरे जिन हाथों में पुस्तक होती उनमें पत्थर आज थमाए हैं, फूलों की सुंदर क्यारी में किसने बम के गोले लगाए हैं। संविधान की सीमाओं को किसने आज चुनौती दी, भारत के टुकड़े करने की किसने आज मनोती दी। अरे आतंकी के मंसूबों को किसने आज फिजा दे दी, गुलशन की गलियारों को किसने आज खिजा दे दी। अरे 65 और 71 में जिसने अपने मुँह की काई थी, हाथ खड़े कर दोनों जिसने मुँह काली पुतवाई थी। अरे कश्मीर को कंधे पर रखकर वह बंदूक चलाता है, उन्मादी जेहाद चलाकर वह युवकों को फुसलाता है। अरे भारत के अंदर भी जो गद्दारों की टोली है, खाकर भारत की रोटी वो पाक की हमजोली है। अरे पुलवामा की धरती पर जिन वीरों का खून जला, नमन करे उनकी माँ को जिनको ये बलिदान मिला। अरे पूरा भारत देश दे रहा नम आंखों से विदाई, अब रोक न पाएंगे ये रुलाई। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर परिचय दिया है इन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। दो शब्द मैं अपनी मन की भावना के कहना चाहता हूँ। मेरे
पास न गीत है न संगीत, न अकल है न नकल, बस मेरे मन की भावना है जो व्यक्त करने के लिए ये मेरे को मौका देते हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, हम सब उस पर कुर्बान हैं, वो हमारी जान है, वो हमारी जान है। मेरे दिल की धड़कन, मेरा हिंदुस्तान है, हमारे दिल की धड़कन, हमारा हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रखता ये साथ है, सबको रखता ये साथ है, सबके दिलों की धड़कन ये सब इसकी शान है, सब इसकी शान है। एक 8 साल का बच्चा किस तरह से, जब उसे पता नहीं होता है कि मेरे पिता अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वह किस तरह अपनी माँ से कुछ सवाल पूछता है। उससे पहले पुलवामा में शहीद हुए शहीदों की शहादत को नमन, नमन हर उस माँ को जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया, नमन हर उस पत्नी को जिसने अपने मांग की परवाह न करते हुए, अपने सिंदूर की परवाह न करते हुए अपने पति को सरहद पे भेजा, नमन उस घर के दीवार की हर एक ईंट को जिसने ऐसे वीरों को बड़ा होते हुए देखा, नमन देश के हर उस नौजवानों को जो आज भी देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर जाना चाहते हैं। अब मेरी कविता। एक 8 साल का बच्चा जो अपनी माँ से पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं, और माँ की पथराई आंखें 2 दिनों से अपने पति की लाश का इंतजार कर रही है, कुछ बता नहीं पा रही है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात है, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात है, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात है, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात है, गोदी में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, गोदी में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा नहीं जानता कि उसके पापा अब कभी नहीं आएंगे। फिर वो अपनी माँ से कुछ कहता है, माँ क्यों न तूने आज वो बिंदिया लगाई है, दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी तेरा कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी तेरा कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा जब देखता है कि माँ कोई जवाब नहीं दे रही है, तो वह दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चला जाता है। वे दोस्त जिनके पिताजी घर आ चुके हैं, अपने बच्चों के लिए पटाखे मिठाइयाँ सब कुछ लेके आए हैं, जब वह उन सब के पास सारी चीज़ें देखता है तो फिर रोता हुआ घर आता है और फिर अपनी माँ से पूछता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा नए उसको कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ वह साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ वह साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के मुझको सबने चिढ़ाया, पापा पापा कह के मुझको सबने चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों ये सुना आंगन घर द्वार, अब तो बता दो क्यों ये सुना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। उस माँ की क्या हालत होती होगी अगर अपन क्षण भर के लिए उसे अपने ऊपर लेके सोचें, तो शायद एक हमें यह कविता समझ में आएगी। 2 दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई,
दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुमसे बात करूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुमसे बात करूँगा। कुछ इस कदर माँ बेटे की बात चल रही थी, माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसी समय कुछ ऐसा हुआ, पूछते पूछते बेटा हो गया निराश, उसी समय आंगन में आई उसके पिता की लाश। अब बेटा कभी माँ को देखे कभी अपने पिता की लाश को देखे। माँ की आंखें दो दिनों से आंसू सूख के मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए थे, पथरा गई थी आंखें, आंसू नहीं निकल रहे थे। तब बेटा जो अपनी माँ को कहता है, वो जो दो लाइनें हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो अंतिम दो लाइनें हैं, ज़रूर ताली बजाइएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का एक ख्वाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का एक ख्वाब मिल गया। पापा पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। लाख बार सर झुकाएंगे उनकी शहादत में, जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। मैं नमन करती हूँ हमारे देश के वीरों को, मेरा सशस्त्र नमन। मैं उनको श्रद्धांजलि एक कविता के द्वारा दूंगी। आंखें नम है हर दिल में गम है, आंखें नम है हर दिल में गम है, ये वक्त जरा गमगीन है। तिरंगे में लिपटे शहीद थे, शहीदों के शव रखे करीब थे। एक आंख से अश्रुधारा बह रही, दूसरी आंख दिल की आग उगल रही। देश ने वीर सपूत खोए, हमारे जवान शहीद हुए। माँ ने बेटा, बहन ने भाई खोया, स्त्री का मांग आज सुना सुना है। बच्चों से पिता का साया छिन गया, हाय ये नन्ही उम्र में दर्द कैसा मिल गया। हर किसी का नाता जुड़ा है उनसे, पूरे देश को सहानुभूति है तुमसे। सज है देश बूंद बूंद का हिसाब लेने को, हर एक आंसू सूखने से पहले। कायरों को खून के आंसू रुलाने का को, नमन है वीर शहीदों को। आज फिर देश प्रेम की आंधी सी चली है, हर दिल ने हुंकार सी भरी है। देशभक्ति की ये जो गंगा निकली है, सैलाब बनकर दुश्मनों को निगलने निकली है। जय हिंद। 14 फरवरी 2019 को एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटी कि पूरे भारत के हर बच्चे हर नागरिक का हृदय दहल गया। एक ऐसा आतंकवादी हमला भारत के हृदय पर हुआ, भारत के सीआरपीएफ के जवानों पर, उनके काफिले पर हुआ, कि उसमें 40 से ज़्यादा भारतीय जवान शहीद हो गए। उस घटना को पूरे देश की अंतरात्मा को उसने झकझोर कर रख दिया। जगह जगह विरोध गुस्सा लोगों के हृदय में जाग उठा। इसी तरह संगीत साधना संस्थान सुजानगढ़ के अंदर भी एक उन जो अमर जवान शहीद भारत के सच्चे सपूत जो शहीद हुए उनकी याद में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। संगीत साधना संस्थान लगातार कई वर्षों से अनेकों अनेक संगीत के गायन से संबंधित कार्यक्रम करता रहा है और उसी भाव में गीत और संगीत और कविताओं के माध्यम से आज श्रद्धांजलि सभा पुलवामा में हुए उस कश्मीर में हुए उस घटना के संबंध में की गई। मैं संगीत साधना संस्थान के अध्यक्ष शंकर जी माहेश्वरी हमारे साथ में हैं और उस संस्थान से जुड़े सभी सदस्य भी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटना के बारे में, जब ऐसी घटना घटी और आज ये एक श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से उन अमर जवान शहीदों को हम याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूरा देश इस बात से आहत है कि हमारे 40 जवान
शहीद हो गए, सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी। हमारा संगीत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि इससे जुड़ने से इस कार्यक्रम करने का एक ही हमारा मकसद था कि श्रद्धांजलि सभा हो जाए और संगीत के द्वारा वो हमारे दिल में लो जगती रहे, क्योंकि संगीत ऐसा माध्यम है कि इससे कोई भी हम देशभक्ति गाना गाएं, देशभक्ति गाना कविता प्रस्तुत करें तो वो दिल में हमारे वो जुनून बना रहता है। इसी को मद्देनज़र रख के हमने ये सब लोगों ने निर्णय किया कि एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाए और आज सुजानगढ़ में मूनलाइट सिनेमा हॉल में पवन जी तोदी के सानिध्य में उनके द्वारा सौजन्य से ये कार्यक्रम हमने रखा। बिल्कुल, लगातार आप इस तरह के कार्यक्रम और भी संगीत से जुड़े हुए कार्यक्रम आप लगातार करते रहते हैं, तो नए कलाकार जो और भी क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए भी क्या मैसेज करना चाहेंगे? मैसेज ऐसा है कि संगीत साधना संस्थान तो हर बार किसी न किसी नए कलाकार को मौका देती है। हो सकता कई बार हमारी आंखों से दूर हो कलाकार या हमारी नज़र में ना रहे, तो मैं आपके द्वारा मीडिया के द्वारा सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी नया कलाकार है संगीत साधना संस्थान से जुड़ना चाहता है वो एक बार हमारे से किसी भी मेंबर से संपर्क अवश्य करें, हम उनको मंच प्रदान करेंगे जैसा भी हमारे पास साधन है, तो हम उनको ज़रूर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और संगीत साधना संस्थान 45 सालों से कार्य करती आ रही है संगीत के क्षेत्र में, इतने सालों से यह संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी, अब रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो इस संस्थान की दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस होती रहे तो इस क्षेत्र में हम काफ़ी आगे ज़्यादा कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि सुजानगढ़ में एक अच्छा ऑडिटोरियम बने, संगीत साधना संस्थान का अपना ऑडिटोरियम बने। आने वाले समय में भी हमें किस तरह एकजुट होकर के इस देश के लिए कार्य करना चाहिए, हम जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं हमें अपनी सेवा अपनी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देश अगर एकजुट होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। किसी भी बाहरी ताकत जो भी होगी उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि भारत देश पर किसी भी प्रकार का दबाव बना सके, किसी प्रकार का आतंकवादी हमला कर सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारा देश एकजुट हो, ना कि राजनीतिक गठबंधन में अलग अलग हिस्से में बंट जाए। बिल्कुल, हमें सभी मतभेद हर तरह के वाद भूल करके आगे आने की ज़रूरत है और देश के साथ समर्पित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। संगीत साधना संस्थान से लगातार जुड़े हुए विनोद जी सेन, मैं आपसे भी कुछ बातचीत करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के संबंध में, किस भाव के साथ आज ये श्रद्धांजलि सभा की गई और आपने भी एक बहुत अच्छी कविता भी प्रस्तुत की, मार्मिक कविता प्रस्तुत की, क्या कहना चाहेंगे इस ऐसे कार्यक्रमों या ऐसी घटनाओं के संबंध में? मैं इतना कहना चाहूँगा कि उन परिवारों के लिए, मतलब उन परिवारों को जो नुकसान हुआ है, किसी का भाई, किसी का बेटा या किसी का पति गया है, इस श्रद्धांजलि सभा से हम उनकी तो पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन हम इस तरह की श्रद्धांजलि सभा से उनको ये बताना चाहते हैं कि न तो हम उनकी शहादत को भूलेंगे और न उन आतंकवादियों को भूलेंगे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। सिर्फ ये एक हमारी यह हमारा एक जज्बा है कि हमेशा हम उनके लिए तैयार हैं, तैयार रहेंगे, वो अपने आप को अकेला नहीं समझे, हमारी रूह संगीत साधना संस्थान के माध्यम से हमेशा उनको याद रखेगी। बिल्कुल, उनकी शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, इस देश के लिए उन्होंने वो अमिट काम किया है जिसको कभी भी हम भूल नहीं सकते। संगीत साधना संस्थान आज अपने तरीके से एक श्रद्धांजलि सभा रखी है, उनको याद करने की कोशिश की है और लोगों में प्रेरणा और जज्बा जागृत करने की कोशिश के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया। मैं हूँ KDH चैनल के नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ आप सभी का धन्यवाद।